चुनावों से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चार राज्यों में मतगणना सुबह से जारी है, वहीं मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। बीजेपी 140 सीटों से आगे है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, वही जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द ही संबोधित कर सकते हैं। वही राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में भी बीजेपी आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बहुमत से दूर नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल कांटे की टक्कर बताया जा रहा है राजस्थान में। रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। वही छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। एक बार फिर से भूपेश बघेल सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। वही तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना में बीआरएस पर कांग्रेस पूरी तरीके से भारी है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी ये कहा जा सकता है कि चार राज्यों में से दो में कांग्रेस सरकार बना रही है, तो वहीं दो में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। मध्य प्रदेश की हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही प्यारी नजर दोनों ही राज्यों पर थी, लेकिन जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में ज्यादा फोकस कांग्रेस ने किया तो वहां पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआती रुझानों के हिसाब से राजस्थान में जादूगर का जादू कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने कमाल कर दिया है। कांग्रेस ने बीआरएस को पीछे छोड़ दिया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस रिपीट करती हुई नजर आ रही है।